भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के बाद अब सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बांग्लादेश किसके साथ खड़ा है। इसी बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन ने शनिवार को भारतीय सीमा से लगे पश्चिमी मेहरपुर के एक शहीद स्मारक का दौरा किया। इसी दौरान एक निजी न्यूज चैनल द्वारा उनसे पूछा गया कि भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर बांग्लादेश का क्या रुख है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए मोमिन ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक और चट्टान की तरह मजबूत है, यह एक खून का रिश्ता है, जबकि चीन के साथ मुख्य रूप से आर्थिक संबंध है। आगे मोमिन ने कहा कि हमारी जीत भारत की जीत है और हमारा विकास भारत का विकास है, इसी संबंध को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसी के साथ ही मोमिन ने कहा कि हमारे भारत के साथ मौजूदा संबंध भी शानदार है, दोनों देश अगले साल बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत ने जल बंटवारे के मुद्दे पर भी बातचीत आगे बढ़ाते हुए भूमि और समुद्री सीमाओं तथा सुरक्षा जैसे द्विपक्षीय मुद्दों को हल किया है। हालांकि आगे मोमिन ने कहा कि कुछ मुद्दे बाकी हैं, हमें उन्हें भी सुलझा लेंगे, लेकिन उन्होंने भारत और चीन के बीच तनाव पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह उनका विषय है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मोमिन ने कहा कि बांग्लादेश का ध्यान दोनों देशों के साथ रिश्ते को बनाए रखते हुए अपने विकास पर केंद्रित है। देश की तमाम खबरें जो भारत से संबंध रखती हो वह अब हिंदी में सिर्फ द एनआई टाइम्स पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।